इस तरफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। क्या बात है। ये पेंटा मॉडल है एंकर का, स्विच सॉकेट सब जितने भी हैं एंकर के लगे। मकान दिखाएंगे अपना, और जो कि काफ़ी खूबसूरत आपने बनाया है। आप जो अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मकान आपने बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है आपने, ताकि काफ़ी खूबसूरत मकान जो है बन सके। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने दो मकान ये बनाए थे। जी जी, एक आपने ये वाला बनाया है। जी जी, और एक ये बनाया है। ये वाला तो बिक चुका है 8 महीने पहले। अच्छा, ठीक है। और ये वाला अभी अभी ये है। और इसकी देखिए, अगर हम फ्रंट चौड़ाई की बात करें जी, ये 36 फीट है। अच्छा, ये 36 है। 36 ये है जी, और 72 इसकी डेप्थ है। 72 है, ठीक है। ये जो कि आपने डुप्लेक्स बनाया है। हाँ, डुप्लेक्स है ना, 5 BHK है। पूरा जो इसका एरिया टोटल वो कितना है? टोटल लगभग 5000 एरिया कवर्ड है, ऊपर से नीचे मिला के 5000 एरिया कवर्ड। क्या बात है। और लैंड एरिया 26। मकान नहीं, बिल्कुल ये महल समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, महल समझिए या हवेली कह लीजिए, हवेली आई यू लाइक। जी जी बिल्कुल। और सबसे मेन चीज ये है कि कोई भी मकान जब होता है तो सामने की रोड की अगर बात की जाए तो रोड काफी चौड़ी होनी चाहिए। बहुत, तो भाई ने रोड का भी ख्याल रखा है। बहुत अच्छी आपने बात कही। देखिए, जब हम प्लॉट खरीदते हैं तो उसी समय माइंड मेकअप कर लेते हैं कि रोड कम से कम 30 फीट होनी चाहिए। 30 फीट होनी चाहिए। ये 30 फीट रोड है, आप दिखाइए। अब ये रोड आप देखिए, इस तरफ देखिए, ये 30 फीट का रोड है। ये देखिए, अगर यहाँ पे जो है 3 गाड़ी भी हो तो आराम से जो है बिल्कुल खड़ी हो सकती हैं। बीच में खड़ी हो तब भी दोनों तरफ से निकल बिल्कुल, जाएगी बिल्कुल। तो ये काफी अच्छी चीज है। राजा भाई, इसका देखिए फ्रंट लुक जो है, देखिए जी, यहाँ पे देखिए हमने 3-3 लाइट यहाँ पे लगाया है। रात में काफी अच्छा व्यू आता है। अच्छा, रात में काफी जबरदस्त लगता है बहुत। और ये CNC कटिंग, इसमें भी 5 लाइट लगा है। अच्छा, इसमें भी लाइट लगी है, रात में ग्लो करता है। रात का मैं थोड़ा सा एक इसका डाल दूंगा फोटो, वो आप लोग देखिएगा, डाल दीजिएगा। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जी आइए, अंदर चलते हैं। एक खासियत ये है, थोड़ा सा यहाँ से आप ऊपर तक दिखाइए, नीचे से ऊपर यहाँ से स्टार्ट करिए। बिल्कुल, ये देखिए, हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, और ऊपर तक दिखाई आपको सारा टाइलिंग वर्क मिलेगा। अच्छा, यहाँ से लेकर के ऊपर तक पूरा टाइलिंग वर्क, पूरा टाइलिंग वर्क जी, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्रेक हो जाता है प्लास्टर जी, ये पूरी लाइफ। अच्छा, इसको क्रेक नहीं होना कहीं, एज इट इज ऐसे ही रहेगी, ये गारंटी है, ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये खूबसूरती ऐसे ही बनी रहेगी, कहीं से क्रेक नहीं होगा जी। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो कार आप यहाँ से ऊपर चढ़ाएंगे, उसके लिए देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सब कुछ कम्प्लीट जो है बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। गेट की बात करें तो गेट लगभग कितने फीट का है? ये 10 फीट से ज्यादा है, 10 फीट 2 इंची। 10 फीट से ज्यादा है ये, तो मतलब यहाँ पे 10 फीट 2 इंची ये गेट हमारा है। आराम से आप देखिए, कार जो है फॉर्चूनर जैसी कार बिल्कुल ला करके खड़ी कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो जी, चाहे फॉर्चूनर हो, डस्टर हो, एनीवन, कोई भी गाड़ी, कोई भी कार हो, पूरा आराम से आ जाएगी यहाँ पे। एक गाड़ी आपकी बड़ी इधर आ गई जी, और 2 छोटी कार आपकी इधर आ जाएगी। अच्छा, 2 छोटी कारें इधर आ जाएंगी, तो इधर भी आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए, इधर आपकी काफी जगह, इधर भी बिल्कुल है ना। और यहाँ पर, यहाँ पे हमने
पांच फीट की गैलरी दिया है। अच्छा, मतलब ये पांच फीट की गैलरी है। हाँ हाँ, और इससे वेंटिलेशन भी आपको हर कमरों में अच्छा वेंटिलेशन भी मिलेगा जी। और गैलरी भी मान लीजिए, टू व्हीलर की पार्किंग भी आप कर सकते, पार्किंग भी कर सकते, ठीक है। और ये सब गमले का पॉइंट हमने बनाया है। अच्छा, ये ऊपर ये सब जो देख रहे हैं आप, गमले का पॉइंट भी अपना जो है, इधर भी गमले का पॉइंट है, यहाँ भी है जी। थोड़ा कैमरा मैन इधर दिखाएगा, यहाँ हमने इन्वर्टर पॉइंट बनाया है। अच्छा, ये इन्वर्टर पॉइंट है। हाँ, इसके अंदर जी। और ये सूज स्टैंड है। अच्छा, ये ग्रेनाइट लगा है, मान लीजिए आप बाहर से आए तो यहाँ पर अपना हेलमेट वगैरह रख सकते, झोला वगैरह झोला रख सकते हैं, बाइक खड़ी करके अपना यहीं पर रख दीजिए। ऊपर आप देखिए, यहाँ पे फॉसिलिंग का काम हुआ है जो कि काफी हाँ, बढ़िया आपने किया है। हाँ, यहाँ बेहतरीन बेहतरीन, तो स्टार्टिंग यहीं से कर दिया आपने। हाँ, यहाँ से करते हैं। कैमरे का भी देखिए, कैमरा भी लगा हुआ है। अच्छा, पूरे घर में छह कैमरे लगे हुए। अच्छा, पूरे घर में छह कैमरे लगे हुए। छह कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, पूरी आप वॉचिंग कर सकते हैं जी। और लाइट की बात करें हम जी, तो थ्री फेस कनेक्शन देखिए, 10 mm का वायर लगा हुआ है। अच्छा, ये 10 mm का वायर लगा, 10 mm का वायर लगा हो, यहाँ से आपका थ्री फेस कनेक्शन, यहाँ मीटर लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरे घर में आप कह रहे थे कि एसी भी इसमें जो है लगा करके आप दे रहे हैं। हाँ, तो पूरे घर में कितने एसी लगभग लगे? एसी लगभग 5 AC आपको लगा के देंगे। अच्छा, 5 AC 1.5 टन का जो है लगा करके देंगे, पूरा पूरा 1.5 टन की 5 AC इसमें लगा के देंगे। आइए अब हम अंदर चलते हैं। तो अंदर चलने से पहले आप ये देखिए, काफी अच्छा डोर भी जो है इसमें हमें लग रहा है, ये पूरा डबल आपने दिया हुआ है। हाँ, डबल डबल, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हमने डबल डोर भी दिया है जी। और पूरे घर में ये पमिंग आप देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट पमिंग, इसको आप दिखाएंगे कैमरामैन जी, इसकी बात हम कर रहे हैं जी जी, ठीक है जी। पूरे घर में हमने पमिंग किया है, ये ग्रेनाइट नहीं है, इसको कंपोजिट बोलते हैं, जो किचन में यूज होता है। अच्छा, किचन में जो यूज, लेकिन हमने पूरे घर में 30 कंपोजिट हमने मंगाया है। अच्छा, और पूरे घर में हमने यूज किया है इसका, बिल्कुल, मतलब जो भी है कहीं से कोई कमी नहीं रहनी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो आइए अंदर चलते हैं, तो अंदर आ जाइए। और अंदर आते ही आपको जो है थोड़ा एक अलग सा मज़ेदार जो है फील होगा। देखिए, ये आपका फॉसिलिंग अंदर कंप्लीट करके दी हुई है आपने। तो रजा भाई, ये गेस्ट रूम, हाँ गेस्ट रूम है। तो ये कितना बड़ा लगभग है? ये 18x14 का गेस्ट रूम है। अच्छा, 18x14 का। यहाँ बड़ी फैमिली हो, कितने भी गेस्ट आ जाए, सोफा लगा ली, ये सब लगा के देंगे। सोफा है, अच्छा, पर्दे है, एसी है, ये सब हम कंप्लीट करके, सब कुछ कंप्लीट करके, फुल्ली मतलब कुछ भी आपको लाना नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट करके मिलेगा यहाँ पर, सोफा वोफा लगा करके। ये एक विंडो यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, ये गैलरी से अटैच है। अच्छा, आपको यहाँ से वेंटिलेशन के लिए 5 फीट की गैलरी देने का मेन मकसद यही है कि गेस्ट रूम में अंदर जो रूम है सब जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन, अभी उधर ना अगर हो गैलरी तो वेंटिलेशन दिक्कत होगी, तो आपको ये डबल वेंटिलेशन मिलेगा जी। बाकी यहाँ पे जो ये नेट वगैरह भी सब पूरा कंप्लीट लगा हुआ है, सब कंप्लीट है। यहाँ पे आपने ये हमने यहाँ पे आप वॉशरूम भी दिया हुआ है, एक अटैच लैट्रिन बाथरूम, आ जाइए ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, आ जाइए। तो अगर कोई मान लीजिए गेस्ट आता है तो यहीं से, बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी के लिए हमने ऐसा बनाया है कि गेस्ट आए तो आगे इसके आगे ना जाए, यहीं से यहीं अपना नहा ले धो ले, इसके बाद अच्छा, इसमें भी प्रॉपर सारी चीजें आपको मिलेंगी। हाँ, देखिए यहाँ पर सब कुछ आपको, ये भी गीजर भी लगा हुआ है, सब सब ये सारी चीजें कंप्लीट करके। उसके अलावा हमारे बाथरूम में आपको डबल वेंटिलेशन मिलेगा। अच्छा, एक तो ये गैलरी से वेंटिलेशन है, दूसरा ये ऊपर छत से, ये देख रहे हैं आप? अच्छा, ये ऊपर छत से भी है। इसमें भी जाली का भी लगा है, शीशे का भी लगा है, जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यूज करें। बाकी जो टूटी वगैरह आपने यूज किया सर, ये मतलब ये सब हमने मार्क कंपनी का यूज किया, 70 साल पुरानी कंपनी है जी। देखिए इसका फोर्स वगैरह देखिए आप जी, मार्क कंपनी का, हाँ मार्क कंपनी का फोर्स वगैरह देखिए जी। तो ये सबसे मेन चीज, तो जो भी आपने यूज किया है वो सारी चीजें तो आप बताई देंगे कि हाँ भाई इसमें क्या क्या चीजें आपने लगाया है जी जी। और जो वायर वगैरह इसमें यूज किया आपने, वायर वगैरह देखिए जितना भी सब यूज हुआ, एंकर का है, हैवेल्स का, एंकर का है, हैवेल्स का है, जितनी भी ये पेंटा मॉडल है, एंकर का स्विच सॉकेट सब जितने भी हैं एंकर के लगे हुए हैं। अच्छा, ये सब पेंटा मॉडल के। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और ये लॉबी एरिया है ना, और यहाँ पे भी आपने प्रॉपर पूरा जो है फॉसिलिंग काफ़ी खूबसूरत बनाई है। और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आप देखिए कंप्लीट, ये
डाइनिंग एरिया है। अच्छा, यहाँ 6 सीटर हम आपको जो है। अच्छा, ये डाल के देंगे? हाँ, डाइनिंग टेबल डाल के अच्छा, देंगे 6 सीटर डाइनिंग टेबल डाल के देंगे। उधर सोफा आपको लगा के देंगे। अच्छा, वहाँ पे सोफा हो गया, इधर डाइनिंग टेबल हो गया, तो वो सब आपको लगा कर कंप्लीट। बाकी देखिए यहाँ पे जो वर्क हुआ है काफी बढ़िया और कंप्लीट, ये देखिए सारी चीजें आपको ये कंप्लीट मिलेंगी। लाइट का भी आपने जो है प्रॉपर जो यहाँ पर काम किया है, पूरे घर में छोटी वाली लाइट जो देख रहे हैं आप जी, 160 पीस ओरिएंट कंपनी का लगाया हूँ हमने। अच्छा, 160 पीस ओरिएंट, मतलब घर तो आपने ऐसा बनाया ऐसे लग रहा है कि बस आप अपने लिए बना रहे हैं। कह तो रहे ये घर नहीं, इसको आप महल कहिए, हवेली कहिए, हवेली कहिए, घर तो कह ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ से देखिए हमारी एंट्री होती है किचन में। किचन में जी, जी किचन में चलते आइए जी। अब किचन के ऊपर भी आप देखिए, देख रहे हैं जी, यहाँ पे भी आपने जो है लाइटें लगाई है, लाइट लगाए, हाईलाइट किया है जी, एक अच्छा फील महसूस हो अंदर किचन में जाए। और इस किचन में हमारी बहनों को जो भी जरूरत की चीज चाहिए जी, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें हमने पूरा कर, ये एक पेच भी आपको इसके अंदर नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, सब कुछ जैसे, सब कुछ बिल्कुल जैसे, बिल्कुल ख्याल रखा है बहनों का। जैसे हम किचन के अंदर आए जी, ठीक है रजा भाई जी, आने के बाद पसीना होता है ना, तो पहला बटन चलाइए फैन चलेगा, फैन चलेगा ठीक है, फिर आपका मन कह रहा है कि पानी पीना यार, प्यास लग गई, तो फ्रिज भी आपने दे, फ्रिज देखिए खोले, नया फ्रिज आके लगा हुआ है, देखिए चालू है जी, अभी आपको पिलाऊंगा ठंडा जी, पानी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए फ्रिज भी यहाँ पे, फ्रिज भी इंस्टॉलेशन हमने कर दिया है। और यहाँ पर आप देखिए पानी, पानी देखिए एक्वा गार्ड का है जी, एक्वा गार्ड का गीजर भी हमने लगा दिया है। और ये टच स्क्रीन चिमनी, अच्छा ये टच स्क्रीन है, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा पास से दिखाइए। हाँ, आइए ये, अच्छा ये ऐसे ही ऊपर से ही ऑन हो जाता है। हाँ, ऑन हो गया जी। और ये दोबारा 2 पे आ गया, तिबारा 3 पे आ गया, सेंसर लगा हुआ है, सेंसर है जी। और अपोजिट करेंगे तो बंद हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ करेंगे तो बंद हो जाएगा, क्या बात है, ये बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए हमने गैस के साथ ये आपको स्टोव भी मिल रहा है, अंदर गैस सिलेंडर भी मिलेगा आपको। अच्छा, गैस सिलेंडर भी मिलेगा, कंप्लीट, मतलब सब कुछ देंगे आप, सब कुछ देंगे। इतना छोटा, कॉफी, ये कॉफी मशीन है, कॉफी मशीन भी रखी हुई है, मतलब कॉफी पीने का मन कर रहा है तो जल्दी से बनाइए। बिल्कुल। और ऊपर भी काफी अच्छा किचन आपने बनाया, किचन देखिए जितने भी बने हैं सब जी सॉलिड बनेंगे, देख रहे हैं, देखिए सारी जो भी काम किया है वो सब ब्रांड का और काफी बढ़िया, मतलब ग्रीन किया है लगा हुआ है जी। और इसको आप देखिए कितना स्मूथ, इसको थोड़ा सा उठाएंगे जी, ये देखिए, वाह क्या बात, और बिल्डर तो आपको केवल कब्जा लगा के देते हैं जी जी है? जी बिल्कुल। लेकिन हमने कहा यार हमारी गाड़ी में हम जब उठाते हैं इसको जी, अपने तो आप एक अलग फील होता है ना, होती है, तो हमारी बहनों को भी वो फील होना चाहिए जो हम गाड़ी को खाली हाथ लगाए और बस उठ जाए, क्या बात है। इससे मजबूती भी रहती, कभी काल मान लीजिए कब्जा खराब भी हो गया तो ये पूरी लाइफ थोड़ा सा खराब ही नहीं होगा जी, ये जहाँ पे जग लगा इससे खराब ही नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बेडरूम की ओर, आइए आइए आपको बेडरूम दिखाते हैं। अच्छा, टोटल कितने रूम नीचे हैं? नीचे देखिए एक तो गेस्ट रूम हो गया और 2 बेडरूम, दोनों मास्टर बेडरूम, हाँ दोनों मास्टर बेडरूम, नीचे हमने दोनों मास्टर बेडरूम बनाया है। अच्छा हाँ, आइए चलते हैं इसमें, ये मास्टर बेडरूम आइए भाई। मास्टर बेडरूम में भी जैसे ही आप आएंगे तो एक मतलब अलग सी खुशी होगी अंदर आते ही, मतलब बिल्कुल, क्योंकि जो है काफ़ी बढ़िया मतलब आपने बनाया है और ये सारी चीज़ें आप जब देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया गया। अच्छा, इसमें भी काफ़ी मतलब जो है सब काफ़ी ड्रॉज बनाए गए हैं जी, ड्रॉज काफ़ी बनाए गए हैं रजा भाई, ये आप समझिए 18x14 का मास्टर बेडरूम है। 18x14 बेड भी लगा के देंगे जी, बेड के साथ साथ सोफा भी लगा के देंगे, फिर भी इतना स्पेस मिलेगा कि बच्चे काफी एंजॉय कर सकते हैं इस रूम, मतलब बेड और सोफा लगाने के बाद भी स्पेस मिलेगा कि बच्चे इसी में एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इधर भी वार्डरोब लगा हुआ है, ये इंटरनल वार्डरोब है। अच्छा देखिए, यहाँ तो आपको पूरे वॉल में मिल ही रहा है, यहाँ उसके बाद यहाँ भी मिल रहा है बिल्कुल। तो आप अगर
कपड़े के शौकीन हैं जी, तो आप खाली खरीद कर लाइए माल से, बस टांगना कहाँ रखना कहाँ उसके बारे में नहीं सोचना है। सही है। तो इसमें अटैच वॉशरूम भी दिया है। आइए आइए आइए, ये बाथरूम नहीं, पहले अंदर आइए आप जी। देखिए देख रहे हैं, काफी बेहतरीन। यहाँ भी आपने जो है फॉर सेलिंग, मतलब यहाँ भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल, कह तो रहा हूँ ये 10x8 का जी, ये हमारा जो है बाथरूम। अच्छा, ये 10x8 का है, 80 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, इसके अंदर सारी फैसिलिटीज है। अच्छा, इसमें देखिए सारी चीजें कंप्लीट आपको सब मिलेगी। गीजर है, गीजर है, और ये देखिए आपका, देखिए ठंडा गर्म पानी यहाँ आपको मिलेगा जी। ठंडी प्रॉपर सारी चीजें, ठंडी के दिन में अक्सर लोगों को ठंडी लगती है, हल्का सा ऐसे पानी लगाया भगा लिया आप, लेकिन ऐसा नहीं, आप आराम से धोइए। और यहाँ ड्रायर भी लगा हुआ है। अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ पे ड्रायर भी लगा हुआ है, हाथ भी आराम से आपके, ग्रेविटी कंपनी का ड्रायर लगा हुआ है जी, आराम से हाथ सुखाइए, फिर इसके बाद आप बाहर जाइए। जो भी चीजें आपने लगाई है सब ब्रांड की और अच्छी चीजें लगाई हैं। एक चीज इधर कैमरा मैन, इधर आप दिखाइए, जितने भी देखिए हमारे सीट्स लगे हैं। अच्छा, सेरा। अच्छा, सेरा की लग, जितने भी लगे हैं सेरा। अब लोकल तो 2-3 हजार, 4 हजार का आता, 18 हजार रुपए का ये है सीट। अच्छा, टाइल्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। टाइल सब ब्रांडेड है। अच्छा, ये भी सारे ब्रांडेड, सारे ब्रांडेड है, मतलब जो भी चीजें जो है यूज की हैं वो सब ब्रांडेड हैं, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब छुट्टी हो जाएगी एक बार। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, एक बार आप खरीद लीजिए, फिर आप कुछ करने की जरूरत। यहाँ पर भी देखिए प्रॉपर तरीके से नेट लगा हुआ है ना, और उसके बाद फिर आइए आइए लॉबी से होके हम फिर दूसरे रूम में चलते हैं। एक चीज थोड़ा सा लॉबी में हम आपको एक्सप्लेन कर दें जी, आइए लॉबी में आ जाइए थोड़ा सा जी। ये आप देखिए, चौखट और दरवाजे के बारे में हम आपको बता दें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये देख रहे हैं, ये लकड़ी नहीं है। अच्छा, ये लकड़ी नहीं है, ना लोहा है। अच्छा, अब आप कहेंगे लोहा भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, तो है क्या जी, जी। ये जापानी तकनीक की, जापान की तकनीक है, जो गाड़ी हम लोग जिस गाड़ी से चलते हैं जी, ये मेटल 4-5 मेटल को बनाते हैं। अच्छा, ये टाटा वालों से हमने लिया है, समझिए ये तकनीक जापान की है, टाटा वाले वहाँ से रॉ मटेरियल लाते हैं, और ये चंडीगढ़ में इस समय बहुत यूज हो रहा है। अच्छा, इसीलिए ये यहाँ पर यूज किया। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लखनऊ में क्या है कि दीमक वाला बहुत प्रॉब्लम है, दीमक वाला तो इसकी गारंटी है पूरी लाइफ। अच्छा, एक भी चौखट आपकी खराब नहीं होगी, ये मैं गारंटी। अच्छा, सभी जो चौखट आपने साफ 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 वो यही की, चौखट तो चौखट, अभी मैं दिखाता हूँ पल्ले, जितने जंगले के पल्ले लगे होंगे वो भी मेटल के हैं। अच्छा, वो भी मेटल, वो भी हमने मेटल का रखा है, वो लकड़ी का नहीं है जी। और एक तो मतलब खराब होने वाली कोई टेंशन नहीं। हाँ हाँ, एक बार कैमरामैन भी आइएगा थोड़ा सा जी, अपना कैमरा इस हैंडल पे लगाइएगा। देखिए यहाँ पे ये हैंडल दिखाइए, ये दिखाइए, ये हैंडल मार्केट में 3,000 रुपए की आती है। अच्छा, इसको हमने राजकोट से मंगाया है। अच्छा, राजकोट से मंगाया है, तो 50 हैंडल लगा है। अच्छा, 50 हैंडल लगा पूरे घर में, कह तो रहा हूँ 50 भाई, इधर भी उधर भी एक ही दरवाजे में, 22-23 तो दरवाजे हैं। 22-23 दरवाजे, हमारे मकान में खासियत क्या होती है, फुल्ली वेंटिलेशन जी, ना हम दरवाजे की कमी करते हैं, ना जंगले की कमी करते हैं, और बड़ा मकान है तो वेंटिलेशन तो भैया होना जरूरी है। तो पल्ले बहुत ज्यादा हैं, दरवाजे बहुत ज्यादा हैं। ये ओटीएस, हाँ ये ओटीएस देखिए जी, इसने खासियत है कि ऊपर से भी वेंटिलेशन आ रहा है। अच्छा, इधर से पीछे हमने कहा था जो गैलरी है जी जी, गैलरी से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। पीछे से शीशा खोल देंगे तो जाली वाले से यहाँ से हवा आएगी बहुत अच्छी जी। ठंडी जी के दिन में नई रिक्वायरमेंट है तो आप बंद कर दीजिए, ठीक है जी। और ये हमारा लॉबी है, डाइनिंग एरिया, यहाँ खा के आप हाथ वगैरह धोना चाहिए, यही अपना धो सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज आपने यहाँ पे दी है। और अब हम यहाँ पे आते हैं, अब ये सेकंड बेडरूम, हाँ सेकंड बेडरूम में देखिए सब कुछ सेम है जैसे वो बेडरूम था जी। इसमें जो खास कर जो हमें बताना है, थोड़ा सा कैमरा मैन आप इधर आइए जी, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है जी जी जी। इसमें देखिए क्या है कि ये गैलरी से इसमें वेंटिलेशन है। अच्छा, उसमें गैलरी से नहीं था, इसमें गैलरी से भी वेंटिलेशन आपको मिल। अब यहाँ से आप देखिए पूरी गैलरी यहाँ से दिख रही है, और यहाँ से पूरा वेंटिलेशन आपको मिल रहा है, और उस तरफ से भी मिल रहा है, आंगन से भी मिलेगा, मतलब हवा पासिंग होगी पूरी, है ना। हमारा देखिए हमारे मकान में यही एक चीज है जी, कि आपको डबल वेंटिलेशन मिलेगा। ये देखिए, आइए आंगन में आ जाइए, और यहाँ पे भी आपको वार्डरोब वगैरह सब सेम मिल रहा है, सेम वैसे ही मिल रहा है। आइए,
अब देखिए ये आंगन का एरिया है, तो आंगन के एरिया में आ गए तो हाँ। लग रहा है वाकई में हाँ फिर आज ये आंगन हाँ। है ना, बहुत से मकान हमने दिखाए हैं तो आंगन छोटा ही सा होता है। रजा भाई इसको बैकयार्ड कहिए या आंगन कहिए जी बिल्कुल, और या लेडीज लोगों का हमारे बहनों का पोर्च कहिए, पोर्च कहिए, मतलब काफी जगह है भाई, जगह इतना है कि छोटे बच्चों को आप क्रिकेट खिलाइए एंजॉय करिए यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और टाइलिंग भी हमने किया है कि दीवार न खराब हो, जी जी जी, अच्छा ऊपर तक टाइलिंग कर दी आपने। और ये हमने देखिए एक छोटा सा सेटिंग एरिया बना रखा है, यहाँ बैठ के चाय वगैरह भी पी सकती हैं महिलाएं हमारी, भाई पोर्च में जेंट्स लोग बैठे हैं हमारी बहनें कहाँ जाएं, बिल्कुल उनको भी कुछ एंजॉय चाहिए ना। अच्छा एक चीज ये कि पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ से जो है, देख तो रहे आप इतना वेंटिलेशन है बिल्कुल, कि आपको बिना फैन के यहाँ बैठिए आपको फैन की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे आके हमें लग रहा है कि बिल्कुल भी एकदम खुले में महसूस नहीं होगी। और वॉशिंग पॉइंट भी हमने बना दिया है, अच्छा यहीं पे देखिए वॉशिंग पॉइंट भी हमने बना दिया है, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी, यहाँ पर भी फोर्सलिंग थोड़ी सी आपने दी है तो पूरा बिल्कुल। आइए तो आइए अब हम लोग चलते हैं, ये जो अच्छा ये ग्रेनाइट है जी। तो रजा भाई देखिए नॉर्मल में जी 10 इंची 9 इंची का ये स्पेस होता है, अच्छा लेकिन हमने देखिए 12 इंची का पूरा स्पेस दिया है, अच्छा 12 इंची का स्पेस दिया और डबल मोल्डिंग के साथ जी, मोल्डिंग आप दिखाइए जी जी, जी डबल मोल्डिंग के साथ है, अच्छा ये डबल है हाँ डबल मोल्डिंग के साथ है जी, और ये SS का जो हमने रेलिंग दिया है काफी मजबूत है और पास पास में राड जो लगे हुए हैं काफी पास पास में है। अच्छा ये जो रेलिंग आपने दी है SS का है ये? जी जी जी, अच्छा तो ऊपर जब आप आएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है ये आप नीचे से आएंगे और यहाँ पर भी आप देखिए जिस तरीके से सारी चीज़ें मकान को आपने जिस तरीके सजाया है मतलब जी, बहुत जी। ही बेहतरीन। इसकी फॉर सीलिंग आप दिखाइए, लॉबी की फॉर सीलिंग ये है, फॉर सीलिंग लॉबी की देखिए हाँ। और अभी ऊपर हम आ चुके हैं, ये ऊपर की है हाँ। इस तरफ भी आपने ये बैकयार्ड है, अभी बैकयार्ड हम दिखाते अच्छा। हैं उससे पहले हम आपको एक रूम दिखाते हैं इसका, फर्स्ट रूम आइए, यहाँ पे ये दो रूम है फर्स्ट रूम हम आपको दिखाते हैं, ये फर्स्ट रूम है देखिए, ये समझिए ये भी जो है 17x14 का है, अच्छा ये 17x14 का हाँ, काफी बड़ा रूम है, आप देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं हाँ, और देखिए पूरा रूम हाँ, देखिए बिल्कुल 17x14 का ये रूम है हाँ, प्रॉपर फॉर सेलिंग है, इसमें भी प्रॉपर सारी चीजें देखिए हाँ, आपको बिल्कुल नीचे जैसा बिल्कुल बना हुआ जो इसके नीचे गेस्ट रूम है जी, सेम उसके ऊपर सेम वही है एज इट इज है जी, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसमें डबल हमने टेरिस दिया, यहाँ से देखिए दरवाजा है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा बार बार आपको एक चीज कह रहे हैं वेंटिलेशन तो उसका रीजन है, रीजन बुरा मत मानिएगा, नहीं 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 बिल्कुल रीजन है, बार बार कहने का मतलब क्या है कि हमने मेहनत किया परिश्रम किया है बिल्कुल, हमारे मकान में वेंटिलेशन पूरा मिलेगा, ये भी पूरा विंडो यहाँ पे है हाँ, काफी प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ से भी मिलेगा। तो आइए सेकेंड रूम में हम चलते हैं ऊपर, तो वर्मा जी इसमें भी जो है सारी सेम चीज़ें हमें लग रहा है नीचे जैसे बिल्कुल वार्डरोब वगैरह आपने दिया है जी 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 जी, सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए फॉसेलिंग भी काफ़ी खूबसूरत दी हुई है और यहाँ पे भी बेड वगैरह रहेगा पूरा, आपको बेड इधर लगा के देंगे, अच्छा इस तरफ बेड लगा कर यहाँ बेड लगा के देंगे जी, ये एरिया यहाँ सोफा लगा के आपको देंगे, अच्छा ठीक है, बाकी देखिए इधर प्रॉपर आपको जो है सारी चीज़ें मिल रही हैं इस कम हाँ, इस तरफ वार्डरोब दिया हुआ है, पूरा वार्डरोब आपको मिल रहा है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, अच्छा ये यहाँ पे भी विंडो आपने हाँ हाँ विंडो ला वेंटिलेशन यहाँ भी बिल्कुल भी। इस कमरे की खासियत है रजा भाई जी ये के वेंटिलेशन देखिए हमने गैलरी से यहाँ पे दिया है, अच्छा ये भी है हाँ हाँ, और इस रूम को आप मास्टर बेडरूम के अलावा आप हवा महल कह सकते हैं, हवा महल क्योंकि आप ये देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है, ये जो गैलरी है ना जी, गैलरी आप देख ही रहे हैं हवा भी आपको प्रॉपर मिल रही है, अच्छा इधर गैलरी से हवा प्रॉपर मिल रही है, आप समझिए जब हवा टकरा के जी दोनों दीवालों से जब आती है ना जी, तो उसको ऑप्शन क्या मिलता है, यही एक रास्ता मिलता है बिल्कुल यहीं से सीधा, अब समझिए सुबह अगर आप चेयर लगा के बैठ गए तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हवा आती है, हाँ ऐसे ही हवा आती है, अच्छा इधर आपने ये
बाथरूम भी काफी, हाँ बाथरूम जैसे नीचे है सेम वैसे बाथरूम, सेम वैसे ही ऊपर फॉल्सीलिंग मिलेगी। हाँ, और यहाँ पर ये देखिए सेहरा की जो है फिटिंग है और बिल्कुल सेम सारी चीजें इसमें। यहाँ से हम निकलेंगे तो ये बैकयार्ड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से निकलते हैं। हाँ, फर्स्ट फ्लोर का बैकयार्ड आ गया समझिए। तो हम देखिए आ गए यहाँ पर, जो कि आप देखिए ऊपर पूरी जो आपको ये दी गई है वेंटिलेशन उसकी प्रॉपर देखिए ऊपर सारी चीजें। हाँ, जो है पूरा टाइलिंग ग्रेनाइट जी, और पूरा इसमें टाइलिंग देखी हाँ, हुई है। और इसको आप रजा भाई यहाँ पे देखिए ऊपर कितना बढ़िया हाँ, हाँ, इसको आप इस एरिया को जो है सेटिंग एरिया हमने बनाया है। अच्छा, 10-15 लोगों को अगर आपके इष्ट मित्र दोस्त तैयार आ गए तो छोटा मोटा यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। और हाँ, हाँ, यहाँ देखिए हाफ, इसीलिए हमने हाफ किचन भी यहाँ बनाया है। अच्छा, यहाँ ये देखिए ये हाफ किचन भी यहाँ पे, हाफ किचन भी हमने बना दिया है। यहीं पे अपना कुछ भी बनाना है, 15 लोगों की गैदरिंग आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब आप खुद देखिए काफी जगह है यहाँ पे, बिल्कुल काफी जगह ऊपर आप आराम से कर सकते हैं। और इसी से अटैच जी एक चीज और दिखा दे, एक किचन हमने ऊपर भी दिया है। अच्छा, एक किचन ऊपर भी दिया, बिल्कुल हाँ, ये ऊपर भी है जी। आइए आइए, तो एक किचन ये देखिए ऊपर भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखिए सारी चीजें कंप्लीट बिल्कुल आपको यहाँ पे भी मिल रही है। यहाँ पे भी देखिए जैसे नीचे हमने चिमनी वगैरह लगाया है जी, सेंसर वाली, बिल्कुल वही यहाँ भी लगा है। यहाँ आपको फ्रिज लगा के देंगे जैसे नीचे। अच्छा, है यहाँ फ्रिज लगा करके, यहाँ थोड़ा छोटा फ्रिज रहेगा, वहाँ बड़ा फ्रिज है जी, फ्रिज लगा के देंगे। ये देखिए यहाँ भी आपको सारी चीजें कंप्लीट सब कंप्लीट आपको मिलेंगी। ये देखिए वैसे ही बिल्कुल यहाँ भी आपको दिया हुआ है, आप खाली हाथ लगाएंगे बस बिल्कुल खुल जाएगा। ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक कैबिनेट जितने भी बने देखिए सब हाइड्रोलिक कैबिनेट, सब हाइड्रोलिक है। ये देखिए यहाँ पर सब हाइड्रोलिक है, तो काफी बेहतरीन आपको किचन भी मिल जाता है यहाँ पे ऊपर भी। रजा भाई आप, अब हम ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, ममटी के पास। अच्छा, यहाँ भी ऊपर काफी अच्छी फॉल्सीलिंग आपने जो है बनाई है। ममटी पे भी आप जब नीचे से देखेंगे जी तो डबल हाइट की लुक दिखाई देगी, दिखाई एक बार कैमरे से आप, ये लग रहा है बिल्कुल। आइए, तो अभी हम चल रहे हैं, ये देखिए ममटी है ऊपर। और यहाँ पे भी देखिए हमने जो है जी खिड़की इसलिए दिया है। अच्छा, कि जब आप नीचे डाइनिंग एरिया में बैठेंगे जी तो यहाँ से प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर जब बैठेंगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ से मिलेगा जी। तो अभी हम आ चुके हैं ऊपर टॉप टेरेस पे जी, और यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपको आने के बाद लगेगा कि हाँ वाकई में मतलब काफी लोग अगर यहाँ पे आ जाए ऊपर तो आराम ये से 100 आदमी का प्रोग्राम करना है अगर तो ऊपर छत पे ही निपट जाएगा। ऊपर एकदम आप कर लीजिए जी, कोई हाल नहीं बुक करना है, किसी पड़ोसी से कोई हेल्प नहीं लेनी। अब है अब आप देखिए, मैं थोड़ा वहाँ से दिखाता हूँ। हाँ, दिखाइए दिखाइए, ये देखिए दिखाइए, ये ऊपर का एरिया है, मतलब सबसे ऊपर हम आ गए। और हाँ, यहाँ पर आप देखिए ये ममटी है जो कंप्लीट पूरी बनी हुई है, यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ पे भी पूरा टाइलिंग किया है, पूरा फुल टाइलिंग जैसे हमने कमरों में कराया है जी, जैसे नीचे जी उसी रेट की टाइलिंग मैट फिनिश हमने ऊपर भी लगाया। और इसका लुक दिखाइए, ये आपको ग्रेनाइट लुक जैसा लगेगा, ग्रेनाइट लगा है बिल्कुल, देख रहे हैं आप जी। और यहीं से हाँ, ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये लगा दी सीढ़ी, ये ममटी पे जाने के लिए हमने लगाया है। और एक चीज और आपको बता दें, आप देखिए जहाँ भी देखिए जिस पे दिखाइए, देख रहे हैं नॉर्मल बिल्डर क्या करता है, प्लास्टर करके दे देता है, प्लास्टर करके दे देता है। लेकिन हमारे दिमाग में है कि मैं अगर ऊपर आ रहा हूँ, छत पे आ रहा हूँ तो एक हाथ रखूँ तो एक फीलिंग आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए रॉयल फीलिंग बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो वाकई में इसके ऊपर अगर हाथ रखा जाए जी तो रॉयल फीलिंग आती है। सही बात है, ये पूरे घर में हमने चाहे यहाँ पे हो पूरा, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे हो, हर जगह हमने कवर्ड किया। नीचे दिखाई जितने हैं, नीचे भी दिखाइए पूरा। अच्छा, नीचे हाँ, भी टोटल हमने ग्रेनाइट यूज किया है, नीचे भी पूरा टोटल हाँ, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर छत तक पूरा कंप्लीट जो है ग्रेनाइट यूज किया है। यहाँ पे देखिए एक सेटिंग एरिया हमने बनाया है, ये गमले का पॉइंट बना दिया है। अच्छा, ये गमले का पॉइंट बने हुए हैं, चेयर आप लगा के यहाँ बैठे, गमले वगैरह यहाँ रख के बैठे, एक तरीके का ऊपर भी सेटिंग एरिया है। हाँ बिल्कुल बेहतरीन, इसके
अंदर जो है एक छोटा सा स्टोर रूम है, वो हम भी दिखा अच्छा, देते हैं। इसके अंदर स्टोर है, आइए दिखा देते हैं, एक मिनट में आपको दिखा देते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको, इसके अंदर स्टोर भी दिया हुआ है ऊपर, मतलब किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है हमने इसमें, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल कम्प्लीट, जैसे चाहता है एक इंसान की हाँ भाई हमारे हाँ। और इसमें भी देखिए हमने ऐसा नहीं कोई कंजूसी किया है जी, इसमें भी पूरा हमने फॉर सेलिंग किया है। देखिए इसमें भी पूरा फॉर सेलिंग आपको मिलेगी प्रॉपर, और यहाँ पर आप अपना जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। यहाँ पर ये आपने जो है ग्लास लगा दिया है, ये ड्राइवर वगैरह है कोई सोना चाहता है यहाँ सोवे सो भी सकते, सोवे ऊपर पानी की व्यवस्था, नहा धो के रेडी हो जाए जी, भाई बहुत से लोग बिना ड्राइवर के नहीं चलते जी जी बिल्कुल, वहाँ से आप बंद कर लीजिए, जगह है वहाँ से बंद कर लीजिए, एकदम आप सेफ है और ड्राइवर आराम से यहाँ पर स्टाफ आपका। तो वर्मा जी मकान तो जो है पूरा देख लिया जी, जी, और जी, काफी मतलब अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया आपने जो बनाया है वाकई में बिल्कुल दिल से बनाया है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, क्योंकि कहीं भी कोई कमी छोड़ी नहीं आपने, जो भी चीजें यूज करी है आपने सब एक नंबर की। रजा भाई देखिए मकान अच्छा इसलिए बना है जी, मकान बनाते समय ये माइंड में मेरे रहता है कि मकान मैं अपने लिए बना रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, और जब अपने लिए बना रहा हूँ तो मुझको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कमरे में जाता हूँ या ऊपर आया हूँ यहाँ क्या, तो जो चीज दिमाग में आ गई कि ये चीज होना चाहिए तो होना चाहिए, मतलब इस पैसा कितना लगेगा जो है आदमी अपना बना रहा हो दिल से तभी बना सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, पैसा कितना लगे इसके बारे में नहीं सोचते ना, लिखते ही डायरी में कितना पैसा लगा। तो इसका जो फेसिंग एक हम थोड़ा पूछना भूल गए थे आपसे कि फेसिंग क्या है इसका, ये पश्चिम फेस पश्चिम फेसिंग वेस्ट फेसिंग है। अच्छा, बहुत सारे लोग डिस्टेंस की बात करते हैं कि जैसे कि चारबाग का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, यहाँ से चारबाग 10 किलोमीटर है। अच्छा 10 किलोमीटर यहाँ से 10 किलोमीटर है और 15 मिनट में हम लोग अपनी गाड़ी से चारबाग पहुँच जाते हैं, और 500 मीटर डिस्टेंस अपना ये आई एम रोड है ना, एयरपोर्ट जाना है तो यही रोड से बाहर आप निकल जाइए, सामने आप देखिए एल्डिको सिटी बिल्कुल जस्ट सामने ही है, जस्ट सामने है, महर्षि यूनिवर्सिटी 500 मीटर पे है जी, माने जो भी सारी फैसिलिटीज है सब आईएम रोड पे ऑलरेडी है, है ऑलरेडी नियर जानकीपुरम है जी। अगर एजुकेशन की बात आप करिए जी तो